पहले हम लोग है जो थोड़ा ही घी डालेंगे क्योंकि पता चलता रहा होगा ना कम ज्यादा का। ये जो मैंने डाल लिया और अभी तो ये देखिए ये है ब्रेड, तो अभी घी जो हमारा गर्म हो चुका है और ब्रेड जो मैंने पहले ही मिक्सी में थोड़े से वो कर लिए थे और ये देखो भाई घी मैंने थोड़ा लगा है इसमें, घी थोड़ा सा और डालना पड़ा शायद। और आप लोग भी बताना भाई किस किसने बनाया है और खाया है ब्रेड का हलवा, क्योंकि मैं तो पहले कई बार खा चुकी हूँ और बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसकी खुशबू भी उस हलवा थोड़ी सी अलग आव है, मतलब जैसी उसकी खुशबू आ रही है उसकी गुनिया है इसमें। हेलो जी, राम राम जी, स्वागत है आप सबका डुल फैमिली व्लॉग्स के एक और नए व्लॉग में। और अभी बज चुके हैं शाम के 6 और मैंने दाल तो रख दी थी पहले ही, मतलब 5 बजे के करीब रख दी थी, ये तो ऑन वाली है। और अब रह रहा है मेरा काटना, झाड़ू झाड़ू काट दूंगी और फिर चूल्हा में आग बालूंगी, फिर अपना और काम करूंगी, झाड़ू काट के दूध गर्म करूंगी और उसके बाद रोटी पोंगी और ईद काट दी मैं झाड़ू झाड़ू रह रहा है मेरा काटना। अब मेरे मम्मी खुद को बता देगी कि तोड़ता ही है, तोड़ता ही है मम्मी माता तो काई काली। अब मेरे मम्मी काली माता पे जोत लेके आई है। कपड़े की तय भी रह रही है भाई, मेरी करनी कपड़े तो है जो
लिख रही थी, जो मतलब हम घर पे कुछ भी काम या कुछ शुरू करते हैं और मैं डॉक्टर के पास गई थी दवाई लेने के लिए, तो उसकी भी डेट लिख रही थी और मम्मी कुछ बता रही थी। और तैना घर का कुछ थोड़ा बहुत टूचर मुचर, वो छोटा मोटा सा काम जो हमारा लिखना ज़रूरी होता है, जो हम चीज़ लगाते हैं घर में कुछ ले करके आते हैं उसके बारे में लिखना, तो वही लिख रही थी। और मम्मी कर रही थी अपने कुछ काम। तो देखिए, औरत को ये काम भी ज़रूरी होते हैं करने, थोड़े बहुत अपने घर के। वैसे तो मैं कॉपी पेन बहुत ही कम उठाती हूँ, नहीं उठाया करती और याद भी नहीं रहता मुझे कुछ, इसीलिए मम्मी ने बोला था कि भाई लिख ले, लिखने से सब मतलब कि याद रहे जाओगा कि कौन सा काम किस दिन से शुरू किया हम लोगों ने। कुछ ऐसे काम थे भाई जिनको हमें मतलब कि दिनों के हिसाब से करने थे, डेट के हिसाब से, तो वही लिख रही थी मैं। और पहले भी ऐसा कई बार कर चुकी हूँ। कई बार तो ये है कि हम लोग ये भी सोचते हैं कि सिलेंडर कब लगाया है, कब क्या चीज़ हमारे घर में आई है, उसके बारे में लिखते रहते हैं। और भाई मैंने एक बात सुनी थी काफ़ी दिनों, कई दिन हो गए हैं कि एक बाप ने अपने बेटे को ही मार दिया। क्या मतलब दुनिया में क्या चल रहा है, क्या ज़माना आ गया भाई, इंसानियत तो बिल्कुल ही मर चुकी है, इंसानियत का तो नामो निशान ही जा चुका है।